जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस के फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाले सेक्शन रिंच के विषय में। सेक्शन रिंच सेक्शन कपलिंग को ठीक ढंग से एयर टाइट करने के लिए प्रयोग की जाती है। कपलिंग का जोड़ अगर थोड़ा लूज रह जाएगा तो हवा अंदर जाएगी, जिससे पंप पानी नहीं उठाएगा या पंप पानी छोड़ देगा। सेक्शन रिंच दो प्रकार के होते हैं। ये लगभग 9 इंच लंबी होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिंच के प्रकार, पहला कन्वेंशनल टाइप, ये इस प्रकार की होती है, और दूसरी होती है यूनिवर्सल टाइप, जो किसी भी आकार के सेक्शन आदि में ये फिट होती है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले एक कन्वेंशनल टाइप, यह सेक्शन रिंच पुराने टाइप का रिंच है जो अलग अलग साइज में अलग अलग सेक्शन कपलिंग के अनुसार बनाई जाती है। यह स्टील, लोहा आदि द्वारा बनाई जाती है, जो गोल आकार की होती है। जैसे ये दिखाई दे रही है, गोल आकार की होती है। इसका एक सिरा पीट कर, ये सिरा पीट कर घेरे की शक्ल दी जाती है, जो कपलिंग के लग्स के साइज के अनुकूल होता है। जो कपलिंग होता है उसका लग्स के साइज के अनुकूल ही इसे बना जाता है। प्रयोग करते समय रिंच की गोलाई कपलिंग की गोलाई पर रहनी चाहिए, यानी जब हम प्रयोग करेंगे तो ये जो गोलाई है ये कपलिंग की गोलाई पर होनी चाहिए। और दूसरी हमारी यूनिवर्सल टाइप, इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। यह स्टील या लोहे की राड की बनी होती है, जो अंदर से खोखली होती है। जो ये राड है ये स्टील या लोहे की होती है और ये अंदर से खोखली होती है। इसके एक तरफ आधा गोल खांचा बनाया जाता है। इस राड में आधे गोल खांचे की तरफ कुछ हिस्सा छोड़कर एक लीवर आर्म, यानी ये कुछ हिस्सा छोड़कर एक लीवर आर्म इसे कहते हैं, लगा दिया जाता है। तथा इस लीवर आर्म में एक गोल छेद होता है, ये वाला गोल छेद, जिसमें सेक्शन कपलिंग के लग्स को डाला जाता है। इस आर्म लीवर का साइज 18 mm का होता है। लीवर के दूसरे हिस्से में एक सेमी सर्कुलर क्रॉस बना जाता है। यहाँ पर यह रिंच हर प्रकार के साइज के कपलिंग पर फिट बैठ। आज हमने फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाले सेक्शन रिंच के विषय में जाना। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।